हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 विजेता शाहिदुल आलम किस देश के हैं? तो ये थे बांग्लादेश के। अगला युवा ओलंपिक खेल जो अब 2026 में होना है, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये डकार में आयोजित होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि एक खास सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है, हर हर महादेव ऑफर। दोस्तों, पवित्र श्रावण मास के मध्य सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज ये ऑफर ये है दोस्तों, सिर्फ आज के लिए, कि आज जो जो भी व्यक्ति लास्ट 6 मंथ की ई बुक परचेज करेगा, उसे जून मंथ की ई बुक फ्री में दी जाएगी। आपको पता होगा जो लास्ट 6 मंथ की ई बुक है वो दिसंबर 2019 से लेकर के मई 2020 तक की है, यानी कि आपको लास्ट मंथ की लेनी पड़ रही है एक्स्ट्रा में। लेकिन अगर आप आज इसे लेते हैं तो आपको जून 2020 की ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों, आज आपको ये ई बुक परचेज करनी होगी, उसके बाद आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है इसका ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट, यानी कि जितना पेमेंट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। और इसी वजह से दोस्तों, जिससे पता लगे कि आज पेमेंट हुआ है, इस वजह से इसका प्राइस 71 रेट्स कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा 70 रेट्स होता था, लेकिन जिससे पता लगे कि आज का ये पेमेंट है, इस वजह से 71 किया गया है। तो इस वजह से जो लोग आज पेमेंट करेंगे लास्ट 6 मंथ की ई बुक की, उन्हीं को जून मंथ की ई बुक फ्री में दी जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगी तो आपको इंग्लिश में दी जाएगी, अगर हिंदी में चाहिए होगी तो हिंदी में दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो आज केवल 24 घंटे के लिए ये ऑफर है, जल्दी कीजिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने घोषणा की है कि वो हल्दी अनुसंधान संस्थान खोलेगा, यानी कि टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगा। क्यों स्थापित किया जाएगा ये? तो ये दोस्तों स्थापित किया जा रहा है जिससे हल्दी पर और रिसर्च किया जा सके, जिससे इसका उत्पादन भी बढ़ाया जा सके और जो इसके उत्पादक होते हैं उनकी आय भी बढ़ाने में मदद की जा सके। तो इसी वजह से हल्दी अनुसंधान संस्थान यानी टर्मरिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये रिसर्च सेंटर की स्थापना करने में टोटल खर्च आने वाले हैं 30 करोड़ रुपये, और ये 30 करोड़ किसके द्वारा दिए जाएंगे? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, ठीक है? अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो 13,955 एकड़ से ज़्यादा के क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है हल्दी का, ठीक है? और तमिलनाडु के 2 जिले हैं, ईरोड और कोयम्बटूर। ईरोड और कोयम्बटूर जिले को ही देख लिया जाए तो 70-75% हल्दी का उत्पादन यहीं पर हो जाता है। अच्छा, ईरोड से आपको याद आ रहा होगा, तमिलनाडु की ईरोड हल्दी को GI टैग भी मिल चुका है। ईरोड की हल्दी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस वजह से उसको GI टैग भी दिया जा चुका है। GI टैग किसको किसको मिला है, इस पर मैंने आपको खास वीडियो दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब तमिलनाडु आया है, तो तमिलनाडु पिछले दिनों में क्यों क्यों आया था चर्चे में, करंट अफेयर से हम लोग रिविज़न करते हैं। तमिलनाडु अभी दोस्तों मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा था और RBI ने यह भी बताया था कि तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप पर है। तमिलनाडु ने दोस्तों अभी हाल ही में जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफे की योजना की घोषणा की थी, और तमिलनाडु ने अभी हाल ही में दोस्तों 1,018 स्थानों के नाम परिवर्तित किए थे। तो याद रखना आपको, 1,018 स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। इतने तो थे दोस्तों करंट अफेयर्स पॉइंट। अब बात करते हैं स्टैटिक पॉइंट की। तो तमिलनाडु ये रहा दक्षिण में भारत के, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। तमिलनाडु के हाई कोर्ट का नाम है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अच्छा, तमिलनाडु के हाई कोर्ट जो ये मद्रास हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत ही दोस्तों पुडुचेरी का भी क्षेत्र आता है, ठीक है? मैंने आपको बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हाई कोर्ट जो हो वो एक ही राज्य के लिए हो, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का भी देखभाल करता है। E.K. पलनीस्वामी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित जी। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो तमिलनाडु दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरल से। तमिलनाडु से अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो तमिलनाडु में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से? एक तो है चेन्नई में और एक है कोयम्बटूर में और एक है दोस्तों तिरुचिरापल्ली में।
अच्छा तिरुचिरापल्ली से याद आया, तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन को अभी हाल ही में CII ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गोल्ड रेटिंग प्रदान की थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। मुदुमलाई अभ्यारण कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है CBSE ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्लास 11th और 12th के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो CBSE ने दोस्तों IBM के साथ मिलकर, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसके साथ मिलकर के क्लास 11th और 12th के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिलेबस डिजाइन किया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि पढ़ाया जाएगा किसको? क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को, ठीक है। तो CBSE ने अभी इसे 13 स्टेट में शुरू किया है, 13 स्टेट में 200 से ज़्यादा स्कूल्स में अभी ये शुरुआत में स्टार्ट किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पढ़ाई कराई जाएगी CBSE के द्वारा, ओके। CBSE ने दोस्तों इसे अपने सेवा कार्यक्रम के तहत शुरू किया है। सेवा कार्यक्रम क्या है CBSE का? तो सेवा कार्यक्रम का मतलब होता है दोस्तों सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन, तो इसी प्रोग्राम के तहत CBSE ने इसे शुरू किया है। CBSE के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा खिताब जीता? तो अभी हाल ही में रियल मैड्रिड ने जीता है दोस्तों 34वां ला लीगा खिताब। रियल मैड्रिड ने किसे हरा कर के जीता है? रियल मैड्रिड ने विला रियल को हराया है, इसने 2-1 से हराया है विला रियल को, ठीक है। तो और जीत लिया है 34वां ला लीगा खिताब। ये दोस्तों एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, ला लीगा फुटबॉल का टूर्नामेंट काफ़ी फेमस टूर्नामेंट है। तो रियल मैड्रिड ने विला रियल को हरा दिया है, ठीक है। रियल मैड्रिड एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है और पिछली बार इसने 2017 में जीता था ला लीगा खिताब और इस बार 2020 में जीत लिया है, ठीक है, 34वां ला लीगा का खिताब। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कहते हैं फीफा, आपको उसे पता ही होगा। फीफा का अगला वर्ल्ड कप दोस्तों 2022 में होने वाला है, अभी हाल ही में ये फिर से चर्चे में आया क्योंकि इसका अनाउंसमेंट पक्का कर दिया गया है, कतर में ये होने वाला है। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसलिए इसका क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, ठीक है। तो कतर में 2022 में अगला फीफा संस्करण होगा, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है। अब ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? तो ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से 7 टन तक के भार को विमान से नीचे गिराया जा सकेगा, ठीक है। अब इसके जरिए होगा यही यूज कहाँ पर होगा? यूज वहाँ पर होगा जैसे कोई दुर्गम इलाका है, कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर जनरली ट्रकों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वहाँ पर सेनाओं को कोई भी सैन्य उपकरण वगैरह नहीं पहुँचा जा सकता है, तो ऐसे इलाकों में ऊपर से गिराया जाएगा सैन्य उपकरण या फिर जो भी डिवाइसेस होंगी, ठीक है। तो ऐसे में और एक यूज और ज़्यादा किया जा सकता है कि युद्ध के टाइम पर जब इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरी होते हैं सैन्य उपकरण, जब वहाँ पर गोला बारूद वगैरह खत्म होने लगते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी ये यूज किया जा सकेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका काम यही होगा कि ऊपर से जा करके ये सैन्य उपकरण वगैरह मुहैया करा देगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता है मैक्सिमम 7 टन की, ठीक है। तो 7 टन तक के भार वाले ये उपकरणों को नीचे गिरा सकेगा या कहें उतार सकेगा, ठीक है। अब इसे किससे उतारा जाएगा, यानी कि विमान का नाम क्या होगा? तो इस विमान का, इस एयरक्राफ्ट का नाम होगा IL-76 एयरक्राफ्ट। क्या नाम है? IL-76 एयरक्राफ्ट, क्लियर है, जिससे इसे उतारा जाना है। तो अभी जो ट्रायल किया गया है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 600 मीटर की ऊंचाई से उतारा गया है 700 टन के भार को। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1958 को, इसी वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस। जी सतीश रेड्डी जी हैं दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष। DRDO का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में श्याम श्रीनिवास किस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए? तो श्याम श्रीनिवास को दोस्तों फेडरल बैंक का एक बार फिर से MD और CEO नियुक्त कर दिया गया। श्याम श्रीनिवास को अगले 1 वर्षों के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, ओके। श्याम श्रीनिवास दोस्तों 2010 से ही हैं, कब से?
2010 में सितंबर से 23 सितंबर 2010 से ही ये हैं इसके एमडी और सीईओ फेडरल बैंक के। अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था और फिलहाल के लिए इनको फिर से एक नया कार्यकाल दे दिया गया है एक वर्षों के लिए। तो 23 सितंबर 2020 से लेकर के ये 22 सितंबर 2021 तक बने रहेंगे फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फेडरल बैंक आया है तो फेडरल बैंक के बारे में बात करते हैं। फेडरल बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1931 में, कोच्ची में केरल में है इसका हेडक्वार्टर और इसका एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवास जी को बना दिया गया। दोस्तों पिछले 6 महीनों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितने निधन हुए हैं या फिर पुरस्कार सम्मान या फिर जो भी टॉपिक हुआ है, इन स्पेशल टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो दिया करता हूं और इसको एक प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया हूं। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग आसानी से वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ रिविजन, ढूंढिएगा जाकर चैनल पर, आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी वीडियो मिलेगी उसमें जनवरी 2020 से लेकर के अभी तक के सभी चीज़ों का टॉपिक वाइज रिविजन कराया गया है वीडियोज़ के माध्यम से, आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। किसे? पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को। इनको किसके स्थान पर लाया गया है? तो इनको दोस्तों विक्रम सिंह की जगह पर नियुक्त किया गया है। विक्रम सिंह जी 2017 में नियुक्त हुए थे और उनकी जगह पर अब पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में जो विक्रम सिंह जी थे उनके कार्यकाल में कटौती भी की गई है जिससे इनकी नियुक्ति जल्दी की जा सके, पी प्रवीण सिद्धार्थ की, ठीक है। ये दोस्तों 2001 बैच के ये भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो अब ये होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए निजी सचिव। क्लियर है दोस्तों? हर हर महादेव जो ऑफर है आज का, इसका फायदा जरूर उठाइए। जिन लोगों ने अभी तक लास्ट 6 मंथ का ई बुक नहीं लिया है उनके लिए खास मौका है, आप लोग ई बुक ले लीजिए। आपको आज जून मंथ की भी ई बुक फ्री में दी जा रही है। व्हाट्सएप करना है आपको ई बुक परचेज करने के बाद और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो ई बुक भेज दी जाएगी जून मंथ की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में स्टीव वॉ ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। स्टीव वॉ कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे हैं क्रिकेट के और इन्होंने ये बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। इसमें दोस्तों इन्होंने भारत में क्रिकेट के प्रति जुनून को बहुत ही बाखूबी तरीके से एक्सप्लेन किया है, स्टीव वॉ, ठीक है। अब ये तो है इंपॉर्टेंट बुक इस मंथ की। इस मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक आई हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों स्टीफन किंग ने लिखा था इफ़ इट ब्लीड्स नाम की बुक। कौन सी? इफ़ इट ब्लीड्स नाम की बुक लिखा था स्टीव वॉ ने। एक और पुस्तक आई थी हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, इसको लिखा तेनजिंग गे टेथेंग ने। महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड नाम की बुक को लिखा A.K. श्रीकुमार ने। इसके बाद जो बुक आई ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर, इसको लिखा उर्जित पटेल ने जो कि RBI के 24वें गवर्नर थे। इसके बाद एक बुक आई थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इसको वी पट्टाभी राम ने लिखा था। तो ये बुक्स जो थी वो जुलाई मंथ में थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम दोस्तों आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इसे किसने शुरू किया है? तो इसे दोस्तों अभी हाल ही में हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है, निष्ठा कार्यक्रम। अब निष्ठा का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये बेसिकली दोस्तों जो प्रोग्राम है ये स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए है और साथ ही साथ TV चैनल्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट किए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत। तो अभी आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया है। इस योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश के 1200 कितने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख जो रिसोर्स पर्सन हैं यानी संसाधन व्यक्ति हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब ये लोग स्टडी मटेरियल्स वगैरह इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। तो अभी HRD मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। हैदराबाद यहाँ की अभी राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी के बारे में मैंने आपको बताया है कि 3 राजधानियों के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है। कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा विशाखापत्तनम में, एक होगी राजधानी कुर्नूल में और एक होगी राजधानी अमरावती में।
ठीक है। तो ये तीन राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश में आगे आने वाले तीनों में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है दोस्तों ये भारत का 25वां और सबसे लास्ट हाईकोर्ट है और इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी। कौन है? जेके माहेश्वरी। ध्यान रखिएगा भारत में अब 25 हाईकोर्ट हो चुके हैं, सबसे अंतिम हाईकोर्ट यही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। जेके माहेश्वरी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं इसके। जगनमोहन रेड्डी जी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। विश्वभूषण हरिचंद्र जी यहाँ के हैं गवर्नर। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, तमिलनाडु से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया कि सबसे अंतिम हाईकोर्ट है, यानी लास्ट हाईकोर्ट है 25वां हाईकोर्ट। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो एक बनेगी विशाखापत्तनम, यानी तीन राजधानियों में से एक राजधानी विशाखापत्तनम में दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे लास्ट रेलवे जोन भी बनाया जा रहा है, उसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, 18वां रेलवे जोन, ठीक है। 18वां रेलवे जोन भारत का अंतिम रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। नाम क्या है रेलवे जोन का? दक्षिण तटीय रेलवे जोन, यानी कि साउथ कोस्टल रेलवे जोन। तो याद रखिएगा भारत का सबसे अंतिम रेलवे जोन भी है आंध्र प्रदेश में ही, और भारत का सबसे अंतिम हाईकोर्ट भी है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने सीमित स्थान में सबसे तेज 100 योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों समृद्धि कालिया एक 11 वर्ष की लड़की है, भारतीय मूल की है, दुबई में रहती है, क्लास 7th में पढ़ती है, स्टूडेंट है, और इसने सीमित स्थानों में ही सबसे तेज 100 योगासन करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अभी हाल ही में UAE में, क्योंकि ये दुबई में रहती है, तो UAE में है दुबई, और वहाँ पर जो फेमस बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वहीं पर एक आयोजन हुआ था और उसी आयोजन में इस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्लियर है बिल्कुल? तो समृद्धि कालिया जो कि भारतीय मूल की हैं लेकिन दुबई में रहती हैं, इन्होंने बनाया है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाया? तो कोचीन शिपयार्ड ने दोस्तों नॉर्वे के साथ मिलकर के नॉर्वे के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने पर एक डील साइन की है। तो इसके तहत कोचीन शिपयार्ड जो है ये 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाएगा, ठीक है, किसके लिए? नॉर्वे के लिए। अब ये 67 मीटर लंबा जहाज होगा और प्रत्येक की लागत दोस्तों 125 करोड़ रुपए की होगी। कितने की? 125 करोड़ की लागत आने वाली है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन नॉर्वे के द्वारा ही किया गया है, नॉर्वे की नेवल डायनेमिक्स नॉर्वे द्वारा। किसके द्वारा? नेवल डायनेमिक्स नॉर्वे द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बनाएगा कौन? कोचीन शिपयार्ड। अच्छा, कोचीन शिपयार्ड से एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता यही है कोचीन शिपयार्ड, तो नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम के साथ इसका समझौता हुआ है, ASKO मैरीटाइम के साथ। चलिए, अब नॉर्वे आया है तो नॉर्वे के बारे में हम लोग देख लेते हैं मैप में कहां पर है नॉर्वे। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर हम आएंगे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्वे जो देश है ये यूरोपीय देश है, तो यहां पर अगर आएंगे आप तो सबसे ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है यूरोपीय महाद्वीप में, यहाँ पर टॉप पर आपको दिख रहा है ये है नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन के पास में है नॉर्वे, ओके। अच्छा, ये नॉर्वे जो है यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है और थोड़ा सा यहाँ पर एक दो द्वीप हैं वो भी नॉर्वे के ही अंतर्गत आते हैं। नॉर्वे की राजधानी जो है वो है ओस्लो। अच्छा, नॉर्वे से आपको एक पॉइंट ज़रूर याद होगा, ये जो शांति के क्षेत्र का नोबेल दिया जाता है ये नॉर्वे की संसद के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। और नॉर्वे की जो करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, अब नॉर्वेजियन क्रोन भी आप लोग नोबेल पुरस्कार के टाइम ही सुनते होंगे, क्यों? क्योंकि जो मुद्रा दी जाती है, जो प्राइज दी जाती है वो नॉर्वेजियन क्रोन में ही दी जाती है नोबेल विजेताओं को। तो याद रखिएगा नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, इसे आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। अच्छा, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों करेंट टाइम पर इरना सोलबर्ग। कौन है? इरना सोलबर्ग। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। आप लोग अगर शेयर करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करो।
दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोगों के लिए ही एक और चैनल मैंने बनाया है MZT Education 2.0, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का जो ये हर हर महादेव ऑफर है इसका आप लोग जरूर लाभ उठाएं, केवल 24 घंटों के लिए ही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है। कल की वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जरूर आंसर कर ले जाएंगे। अगला है, नेल्सन मंडेला को निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार से कब नवाजा गया। तो अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन ऐप पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्विज सॉल्व करना, आप लोग वीडियो देखने के बाद जस्ट आप लोग तुरंत क्विज सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उन टॉप 15 लोगों में हैं पूजा गुप्ता, रमजान खान, अमित चौधरी, वंदना अग्रवाल, स्वर्णेश्वर कुमार, साबिर आलम, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, प्रेरणा राय, दिव्या पांडे, रविशंकर, आरिफ इकबाल, श्याम शेर कुमार, शुभम नामदेव और रेखा बुनकर। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है।